हिंदू धर्म के अनुसार गंगा नदी को एक पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। महाभारत तथा धार्मिक ग्रंथों में गंगा नदी की महानता एवं उसके पवित्रीकरण के बारे में निम्न प्रकार से बताया गया है। स्कंद पुराण में भी गंगा नदी के पवित्र होने का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस पवित्र नदी में स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, क्या कभी आपने यह सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? आज के हम अपने इस अध्याय में आपको इसी बारे में बताने वाले हैं कि लोग गंगा को पाप नाशनी क्यों मानते हैं और क्या सच में गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमसे Facebook पर जुड़ने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों में बताई गई कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती गंगा नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। घूमते हुए दोनों ही गंगा नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ जाकर माता पार्वती ने देखा कि हजारों लोग इस गंगा नदी में स्नान करने के बाद शिव का नाम लेते हुए बाहर तो आ रहे हैं, पर किसी भी व्यक्ति के मुख पर मुस्कान नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा देखकर माता पार्वती आश्चर्य में पड़ जाती है। फिर उसके बाद माता पार्वती शिव जी से पूछती है कि हे स्वामी, जब इस गंगा नदी को पाप नाशनी मानते हैं तो फिर मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इन लोगों को अपने पापों से मुक्ति नहीं मिली है? क्या गंगा नदी पहले की तरह पवित्र नहीं रही है? तब भगवान शिव माता पार्वती को जवाब देते हुए कहते हैं कि हे देवी, गंगा तो पहले की तरह ही पवित्र और निर्मल है, परंतु जो भी लोग इसमें स्नान करके बाहर आ रहे हैं उन्होंने वास्तव में गंगा में स्नान किया ही नहीं है। भगवान शिव के मुख से ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती कुछ भी समझ नहीं पाई और फिर दोबारा से उन्होंने शिव जी से पूछा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्या आप इन लोगों को देख नहीं रहे हैं कि ये इस गंगा नदी में स्नान करके बाहर आ रहे हैं और इनके सभी वस्त्र अभी तक भीगे हुए हैं? माता पार्वती के दूसरे प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान शिव कहते हैं कि ये सभी मनुष्य सिर्फ जल में डुबकी लगाकर बाहर निकल रहे हैं और कोई भी व्यक्ति इस पवित्र नदी गंगा के जल में स्नान नहीं कर रहा है। इसका रहस्य मैं तुम्हें अभी नहीं फिर कभी सुनाऊंगा। इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती को अपनी साथ लेकर चले गए। लेकिन दूसरे ही दिन भारी बरसात हो जाती है। वर्षा के कारण चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, सभी मार्ग कीचड़ से भर गए। तब भगवान शिव ने एक लाचार वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और कीचड़ से भरे एक गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति के रूप में भगवान शिव उस कीचड़ से भरे गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। साथ ही ऊपर खड़ी माता पार्वती से कहा कि हे देवी, तुम आवाज लगाओ कि मेरे वृद्ध पति इस कीचड़ से भरे हुए गड्ढे में अचानक से गिर पड़े हैं, कोई इन्हें जल्दी से बचाओ और इस कीचड़ से भरे हुए गड्ढे से मेरे पति को बाहर निकाल कर उनके प्राण बचाएं। साथ ही भगवान शिव ने उनसे यह भी कहा कि जो भी कोई व्यक्ति मुझे बचाने के लिए आए उसे यह जरूर बता देना कि वह व्यक्ति मुझे तभी हाथ लगाए जब उस व्यक्ति को अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास हो कि उसने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, अन्यथा वह व्यक्ति मुझे हाथ लगाते ही जलकर भस्म हो जाएगा। शिव जी के कहे अनुसार माता पार्वती भी एक वृद्ध औरत के रूप में आ जाती हैं और वह शिव जी के ओर आकर बैठ जाती हैं और भगवान शिव के कहे अनुसार जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगी।
कुछ ही देर बाद गंगा नदी से स्नान करते हुए आए लोग उस मार्ग से गुजरने लगे। सभी व्यक्ति उस महिला की बात तो जरूर सुन रहे थे, लेकिन महिला को देखते ही उन सभी व्यक्तियों के मन में पाप आ जाता है। इसीलिए लोग लज्जा और धर्म के डर से उस महिला के पास कोई नहीं गया। कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी आए जिन्होंने पहले मदद करनी चाही, लेकिन अपने जीवन में पाप वाली बात को सुनकर रुक गए और यह सोचने लगे कि भले ही हमने गंगा में स्नान किया है, लेकिन हमने पाप तो किया है ना। इसी तरह कई लोग वहां आए और माता पार्वती की बातों को सुनकर वहां से चले गए। शाम का समय हो गया, तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देखा प्रिय, आपने पवित्र नदी गंगा में स्नान करने के बावजूद भी कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आया है। उसी समय एक युवक हाथ में जल पात्र लिए हुए हरि हरि नाम का कीर्तन करते हुए वहाँ से निकला। माता पार्वती ने उसे भी वही बात बताई और मदद मांगी। माता पार्वती की इन बातों को सुनकर उस युवक का हृदय करुणा से भर आया। जैसे ही उस युवक ने भगवान शिव को उस कीचड़ से भरे हुए गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश की, माता पार्वती ने उस युवक को रोकते हुए कहा कि भाई, यदि अगर आपने कोई पाप नहीं किया हो तो ही आप मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा तुम जलकर भस्म हो जाओगे। यह सुनकर उस युवक ने माता पार्वती से पूरे होशो आवाज में कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे क्यों संदेश होता है? तुम देखती नहीं हो कि मैं अभी गंगा में स्नान करके आया हूँ? भला गंगा नदी में गोता लगाने के बावजूद भी कोई पाप रहता है क्या? मैं तेरे वृद्ध पति को इस कीचड़ से भरे हुए गड्ढे से बाहर निकाल कर ही रहूँगा। यह कहते हुए उस युवक ने उन्हें बाहर निकाल दिया। युवक के इस काम से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उस युवक को अपने असली रूप में दर्शन दिए और आशीर्वाद देकर वहाँ से चल पड़े। मार्ग में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देखा देवी, तुमने इतने व्यक्तियों में केवल इस युवक ने गंगा नदी में स्नान किया है। शिव जी ने माता पार्वती से कहा, गंगा में स्नान करके लोग केवल अपने इस शरीर को धो रहे हैं। इसी दृष्टान के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल स्तंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तव में फल नहीं मिलता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं होता है कि गंगा में किया हुआ स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ ही गंगा में स्नान किए हुए स्नान का फल मिलता है। लोगों को यह विश्वास ही नहीं है, गंगा नदी में स्नान करने से उनके मन के पाप कम हो जाएंगे। सच्ची आस्था पत्थर को भी देवता बना देती है, इसीलिए माँ गंगा में किए हुए स्नान से मनुष्य के पाप तो धुल जाते हैं, लेकिन तभी जब उस व्यक्ति की माँ गंगा पर अटूट आस्था होगी। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपका हमारे इस अध्याय के बारे में कोई सुझाव या सवाल हो तो कृपया आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी नई वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल यूजफुल जानकारी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमसे Facebook पर जुड़ने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दीजिए हमें इजाज़त, ताकि हम आप सभी के लिए हमेशा की तरह एक और ऐसी ही अनसुनी रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।